गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। स्वच्छ साक्षर और नशा मुक्त समाज के लिए अलग जगह है मंगल दल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 67,000 से अधिक युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप बांटी खेल सामग्री, दिया निर्देश। सभी राजस्व गांवों में गठित की जाए युवाओं की टोली। मंगल दलों से सीएम ने किया संवाद, कहा अपनी रचनात्मकता से समाज में भरे सकारात्मक भाव। नव वर्ष को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन हुआ सतर्क। एडीएम सिटी ने कहा नव वर्ष में बाइक राइडिंग व हुड़दंगई करने वालों पर रहेगी पुलिस की नजर, शिकायत मिलने पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला या युवक मंगल दलों को किया खेल प्रोत्साहन सामग्री का वितरण। मंगल दलों के अध्यक्षों से किए संवाद, अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने के दिए निर्देश। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बीएलई और आयुष्मान मित्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर की बैठक। नए बनाए जाने वाले आयुष्मान कार्ड के बारे में ली जानकारी, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में बुधवार को मिले 39 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,964। अब तक 341 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 259 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। रोडवेज अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर गोरखपुर क्षेत्र के कर्मचारियों ने अपने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर निकाली रैली। क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर पहुंचकर दिया एक दिवसीय धरना, जताया विरोध। बेसिक शिक्षा विभाग के पर्षदीय विद्यालयों में नव नियुक्ति शिक्षकों को दिया गया 2 दिवसीय प्रशिक्षण। छात्रों को पुस्तक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान को भी दिए जाने के लिए किया गया प्रशिक्षित। और संस्कार भारती के निवर्तमान अध्यक्ष एवं वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव केतन की स्मृति में भारतीय कला और उत्सव विषय पर आधारित पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन चित्रकला प्रदर्शनी का 3 जनवरी को किया जाएगा आयोजन। संयोजक डॉक्टर रेखा रानी शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी।